हरोली विधानसभा के तहत गांव दुलहेट में कांग्रेस कार्यकर्ता रविंद्र सेठी की बाइक सवार अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने पंजाब के होशियारपुर से दो संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है और इनसे पूछताछ जारी की जा रही है। एसपी ऊना अर्जित सिंह ठाकुर ने बताया कि पुलिस द्वारा अमर्स एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति को अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस मामले में पुलिस ने तुरंत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 8 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें पुलिस ने सीनियर अधिकारी डीएसपी हरोली, डीएसपी ऊना और एसएचओ व साइबर सेल के अलावा अन्य लोग भी शामिल है। एसपी के मुताबिक आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने देर रात 7 सस्पेक्ट लोगों से भी पूछताछ की थी, जिसके बाद 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले कल पुलिस थाना हरोली के अंतर्गत एफआईआर नंबर 204/22 अंडर सेक्शन 302 और आर्म्स एक्ट के रजिस्टर हुआ, जिसमें केशव शर्मा जी ने एक हमको कंप्लेंट दी थी। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पुलिस कंट्रोल रूम में आई थी कि लगभग 6:45 से 7 बजे के 6:50 के बीच में एक इंसिडेंट, फायरिंग इंसिडेंट जो है रिपोर्ट हुआ था दुलैड से। उसमें केशव जी के चाचा जी जो हैं उनको गोली लगने की इन्फॉर्मेशन आई थी। मौके पे पुलिस टीम्स गई थी और हमने वहाँ जब मौका तस्दीक किया और उसके सब्सिक्वेंटली एफआईआर रजिस्टर की, उसके बाद जो है अलग अलग पुलिस टीमें पंजाब और ऊना एरिया में जो है ऑपरेशनल हुई। अभी हमारी 8 टीमें जो हैं अलग अलग जगहों पर काम कर रही हैं। डीएसपी हरोली, डीएसपी हेडक्वार्टर, एसएचओ हरोली, इंचार्ज टालीवाल, हमारे इंचार्ज सिक्योरिटी, साइबर सेल की टीमें इत्यादि जो हैं सभी इस काम में लगी हुई हैं। पिछली रात को देर हमने 7 सस्पेक्ट्स को भी राउंड अप किया था पंजाब में और उनसे पूछताछ की थी। इसके पश्चात 2 जो हमारे कुछ ज़्यादा लग रहे थे इस केस में एसोसिएटेड, उनको हमने इस केस में फर्दर इंटरोगेशन के लिए एसोसिएट किया है और उस पर हम काम कर रहे हैं। डीजीपी साहब ने डीजीपी पंजाब अपने काउंटर पार्ट से भी बात की और उनसे कोऑपरेशन करने की जो है उन्होंने बात की है। उसके चलते एसएसपी होशियारपुर से भी मेरी डायरेक्ट, मैं रेगुलर टच में हूँ और उनकी तरफ से हमको पूरी तरह से कोऑपरेशन मिल रहा है। हम इस पे आगे फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशन अभी कंटिन्यू कर रहे हैं और जैसे ही हमको फर्दर इसमें डिटेल्स और प्राइम सस्पेक्ट्स की जानकारी मिलती है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। सर, इसमें कितने रुपये हैं पूरे? देखिए, अभी हम इसको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस पर 2 सस्पेक्ट बाइक्स जो हैं हमारे, वी आर लुकिंग फॉर 2 सस्पेक्ट बाइक्स। बाकी इस पर जैसे ही हमको थोड़ी डिटेल आती है वो आपके साथ शेयर करेंगे। ओके सर। ऊना से आपका फैसला टीवी के लिए जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ अंजना की रिपोर्ट।